आज जो चीज हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशंस बेसिकली क्या होते हैं और इनकी एप्लीकेशंस क्या है वो हमने इस टॉपिक में कवर करनी है। लास्ट टाइम जो चीज हमने स्टडी की थी दैट वाज कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट ही की एक एप्लीकेशन जो है वो बफर सॉल्यूशन हैं। और बफर सॉल्यूशंस होते क्या हैं अब हम उसकी तरफ जाते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस दो सॉल्यूशंस जो क्या कर सकते हैं विच रिजिस्ट द चेंज इन देयर पीएच। वो अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देते। कब? व्हेन? अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर अगर हम थोड़ी बहुत एसिड या बेस डाल दें तो भी उनकी पीएच जो होती है वो चेंज ना हो। दो सॉल्यूशंस विच रिजिस्ट द चेंज इन देयर पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गया कि ऐसे सॉल्यूशंस जो कि पीएच को ही चेंज नहीं होने देते जबकि पीएच किसी भी चीज़ की इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है। तो अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि ये बनते कैसे हैं या बफर सॉल्यूशंस हमारे किस इस्तेमाल में हैं या हमें इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो सबसे पहले तो हम इनकी बनने का जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट जो है वो अपने माइंड में क्लियर कर लेते हैं कि अगर हमें बफर सॉल्यूशन बनाना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बफर सॉल्यूशन जो उनसे हैं वो बेसिकली मिक्सचर्स होते हैं। बफर सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स ऑफ टू सब्सटेंसेस। जैसा कि हमने कॉमन आयन इफेक्ट में पढ़ा था कि एक सब्सटेंस मौजूद होता है हम दूसरा ऐड करवाते हैं। सेम काम हमने यहाँ पे करना है लेकिन हमने इन दो एक चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। बफर सॉल्यूशन दो तरीकों से तैयार हो सकता है। नंबर वन ये है कि बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड कोई भी वीक एसिड को आप मिक्स कर दें किसके साथ मिक्सिंग अ वीक एसिड एंड अ सॉल्ट ऑफ इट उसी वीक एसिड का सॉल्ट और सॉल्ट उसका किससे बना होना चाहिए विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग कि आप लोग जो हैं इसको याद रखें। इसकी एग्जांपल बताऊंगा आपको तो आपके ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मिक्सिंग अ वीक एसिड एंड अ सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड और सॉल्ट किसके साथ बना हो विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो उनसे सॉल्यूशंस बनेंगे ये जो उनसे बफर्स आपके पास बनेंगे ये कौन से बफर्स होंगे ये कहलाएंगे एसिडिक बफर्स। और इनकी जो पीएच होगी वो पीएच विल बी लेस देन 7 क्योंकि एसिडिक हैं तो लेस देन 7 एसिडिक साइड होती है तो आपके पास पीएच विल बी लेस देन 7। अब इसकी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। वीक एसिड, वीक एसिड हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH दिस इज अ वीक एसिड। अब हमने इस एसिड का सॉल्ट लेना है। एसिड के सॉल्ट में क्या होता है बेसिकली इसको रिप्लेस कर देता है कोई मेटल आयन। पॉजिटिव आयन को रिप्लेस कर देते हैं मेटल के साथ तो सॉल्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl प्लस HCl प्लस HCl प्लस NaOH तो आपके पास क्या बनता है वाटर प्लस NaCl। क्या होता है कि अगर ये आपके पास एसिड है तो इसका आपके पास सेपरेट होता है H पॉजिटिव और OH
नेगेटिव के अंदर, सीएल नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट होगा, और सीएल नेगेटिव मतलब इस एसिड का प्रोटॉन रिप्लेस होगा नेगेटिव मेटल के साथ, पॉजिटिव मेटल के साथ, तो सीएल के साथ ये एनए आके मिला इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सी एच थ्री सी डबल ओ एच इज अ वीक एसिड, और अब इसको अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाऊँ तो जो सॉल्ट बनेगा वो मेरे पास दूसरा कंपोनेंट होगा जो कि मैंने इसको मिक्स करना है। दूसरा कंपोनेंट मेरे पास है सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस कैसे है, सी एच थ्री सी डबल ओ एच को अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस एन ए ओ एच के साथ रिएक्ट करवा दूं तो मेरे पास जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए प्लस वाटर सोडियम एसीटेट। तो दिस इज द सेकेंड कंपोनेंट सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड। ये वीक एसिड था हमारे पास, इसका हमने सॉल्ट बनाया विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये और ये, इन दोनों को जब मैं एक खास क्वांटिटी में मिक्स करूंगा, इन दोनों को जब मैंने मिक्स किया तो मेरे पास बफर बनेगा जो कि एसिडिक बफर कहलाएगा। तो दिस वॉज द फर्स्ट वे टू डेवलप द एसिडिक बफर। सेकेंड में हम बेसिक बफर बनाएंगे और काम उसमें भी हमारे पास यही होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या करते हैं, मिक्सिंग अ वीक बेस। इस केस में अब हम एक वीक बेस को मिक्स करते हैं किसके साथ, उस वीक बेस के सॉल्ट के साथ। और सॉल्ट किससे बना होना चाहिए, सॉल्ट ऑफ इट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सेम वही बात है, बस अब हमने इसको बेस और एसिड को आपस में रिप्लेस कर दिया है। तो अब जो उनसे बफर्स बनेंगे वो हमारे पास बेसिक बफर्स होंगे, और बेसिक बफर्स का मतलब है कि उनकी पीएच जो है वो क्या होगी, मोर देन 7 होगी, क्योंकि 7 से ऊपर की साइड जो है वो बेसिक पीएच होती है और नीचे की साइड एसिडिक कहलाती है। अब सिमिलरली इसकी एग्जांपल की तरफ हम आते हैं, NH4OH इज अ वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस बेस का मुझे सॉल्ट चाहिए किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड मैं HCl ले लेता हूँ, तो NH4OH इज अ वीक बेस और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये वीक बेस थी एक चीज, ये इसको मैंने मिक्स करना है सॉल्ट के साथ जो अभी यहाँ पर बनने जा रहा है, और सॉल्ट किसका, वीक बेस का, और किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जब मैंने सॉल्ट बनाया तो मेरे पास सॉल्ट बनेगा NH4Cl प्लस वाटर। तो ये जो सॉल्ट हमारे पास आया, ये सॉल्ट बेसिकली है सॉल्ट ऑफ दैट वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो NH4Cl और जो है हमारे पास NH4OH वीक बेस और उसका सॉल्ट जो है, ये जब मिलेंगे तो हमारे पास बेसिक बफर्स बनाएंगे। तो दिस इज द सेकंड वे टू डेवलप अ बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ तक जो चीज हमने देखी कि बफर सॉल्यूशंस होते हैं जो कि अपनी चेंज इन पीएच को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, और दो तरीकों से जो है ये बन सकते हैं, और वो दो तरीके मैंने आपके सामने ऊपर डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई डू वी नीड बफर्स, हमें बफर्स की सॉल्यूशंस की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक वक्त में हजारों बल्कि लाखों की तादाद में क्या हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। चूंकि वो लिविंग बॉडीज के अंदर हो रहे होते हैं तो हम उनको बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब बायोकेमिकल रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम फूड लेते हैं, डाइजेस्ट हो रही है, हमारे ब्लड के अंदर बेशुमार रिएक्शंस एक वक्त में हो रहे होते हैं। तो अगर आपके सिस्टम की पीएच चेंज हो जाए तो उससे आपका ओवरऑल रिएक्शन चेंज हो जाता है। हमारे ब्लड की जो पीएच है That is 7.35. अब ये 7.35 से कम होके अगर 7 हो जाए या बढ़ के ये 8 पे पहुंच जाए
तो इन दोनों कंडीशंस में डेथ जो है वो वाक्या हो सकती है। हमारा जो पीएच है वो 7.35 पर क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। और मेंटेन कब होगी, जब आपके पास बफर्स मौजूद होंगे। बफर सॉल्यूशन क्या करता है कि पीएच को चेंज होने नहीं देता। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि बफर्स जो हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये तो एक हो गई कि बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बफर्स की इम्पोर्टेंस। अब हम देखते हैं कि बफर्स की इम्पोर्टेंस जो है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा केमिस्ट्री में हमारे पास क्या है। फॉर एग्जांपल, आप कोई केस स्टडी कर रहे हैं, या आप कुछ जो है आप एक केमिस्ट हैं और आप किसी सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप इसके साथ टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के अंदर आपको एसिड भी डालना पड़ सकता है, आपको बेस भी ऐड करनी पड़ सकती है, और हो सकता है कि आपका सिस्टम या जिसको आप स्टडी कर रहे हैं वो सेंसिटिव हो पीएच के हवाले से, क्योंकि पीएच के चेंज होने से वो हो सकता है उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। तो अगर आपने एसिड और बेस ऐड किया तो उसकी पीएच हो जाएगी चेंज, और पीएच चेंज हो जाएगी तो आपको आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपका सिस्टम तो सेंसिटिव टू पीएच है। तो फिर हम इसके अंदर बफर्स ऐड करते हैं, कि बफर्स ऐड करने से क्या होगा कि जब मैं एसिड या बेस ऐड करूंगा तो उसकी पीएच जो है उसके ऊपर कोई चेंज, नो चेंज, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। और उस चेंज के ना आने की वजह से मेरे पास वो जो उसकी सेंसिटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मुझे मिल सकेगा। तो बफर्स को इस वजह से हम अपनी टेस्टिंग में और इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट फील्ड्स के अंदर बफर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो कि मेनली बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, सिमिलरली माइक्रोबायोलॉजी, जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो स्टडी करते हैं। फिर सॉइल साइंसेज है, सॉइल से रिलेटेड, क्योंकि सॉइल के अंदर जो प्लांट ने ग्रो करना होता है वो भी पीएच सेंसिटिव होता है। सॉइल की पीएच कम या ज़्यादा होने से वो बहुत बंजर और बहुत सरफेज हो सकती है, तो पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन केस ऑफ सॉइल। इसी तरह सेल बायोलॉजी, जब हम सेल्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो सेल को जिस सिस्टम में आपने मेंटेन करना होता है उसकी पीएच चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीएच चेंज होगी तो सेल का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो इन तमाम अप्लाइड साइंसेज में, अलाइड साइंसेज, अलाइड का मतलब है उससे एसोसिएटेड, है तो बेसिकली केमिस्ट्री लेकिन डिफरेंट ब्रांचेज हैं, तो इन अलाइड साइंसेज में बफर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि बफर्स क्या होते हैं और किस तरह काम करते हैं। अब हम इसकी केमिस्ट्री में जाते हैं कि हाउ डू दी बफर्स एक्ट। बफर्स हमारे पास क्या ऐसा काम करते हैं कि पीएच जो है उनकी वो चेंज नहीं होती, तो उसकी एग्जांपल हम समझेंगे अपने कॉमन आइन इफेक्ट से, जो कि आप पहले स्टडी करके आए हैं। आप एक सिस्टम लें जिसके अंदर आपके पास CH3COOH आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है और कंपोनेंट है बफर सॉल्यूशन का। बफर सॉल्यूशन का कंपोनेंट था कि आपके पास वीक एसिड हो, और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास है CH3COONA, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है नंबर एक, और दूसरी चीज ये है कि इट इज द सॉल्ट ऑफ द एसिड, जो एसिड आपने इस्तेमाल किया वीक एसिड उसका सॉल्ट है विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। यही चीज हम पढ़ के आए थे कि एसिडिक बफर्स बनाने के लिए इन दो का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों की एग्जांपल हम लेके आगे चलते हैं। CH3COOH, ये जब आपने वाटर में ऐड किया तो ये अंदर जाके स्प्लिट हो गया अपने आयंस के अंदर, CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव के अंदर। आपने बाहर से क्या किया, मिक्सचर में ऐड कर दिया अपना दूसरा कंपोनेंट बफर का, जो कि है ये। अब ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये जब सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो ये भी आपके पास स्प्लिट अप हो जाएगा CH3COO नेगेटिव के अंदर, साथ में अपना पॉजिटिव आयन दे देगा। नाउ द सॉल्यूशन वी हैव हैज दिस कॉमन आयन।
इस कॉमन आयन की वजह से क्या होगा कि आपके पास इसकी आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी। ये चीज़ हम स्टडी करके आए हैं अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर, जो कि हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट था। अब इसकी मौजूदगी क्या करेगी, हमारे पास CH3COOH की डिसोसिएशन जो है वो कम कर देगी। अब होता क्या है, अब अगर एक बंदा जो कि सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है वो क्या करे, कंटिन्यू करे, कंटिन्यू टू इंक्रीज CH3COONA, CH3COONA की क्वांटिटी वो मजीद ऐड करता जाए सिस्टम के अंदर, तो क्या होगा कि CH3COO- इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। जाहिर सी बात है कि ये कॉमन आयन है तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने से CH3COOH की क्या होगी, CH3COOH की आपके पास डिसोसिएशन वो डिक्रीज हो जाएगी। जाहिर सी बात है ये वीक था तो कॉमन आयन की मौजूदगी से वीक की डिसोसिएशन कम हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और इन द रिजल्ट ऑफ दिस पीएच क्या होगी, अब आपके पास पीएच आपके पास इंक्रीज होगी। और अगर इसको आप इस ट्रेंड को देखें तो आपकी बुक में एक टेबल गिवन है जो कि इन दोनों की कंसंट्रेशंस को रिलेट कर रहा है कि अगर CH3COO आपके पास नेगेटिव जो है आयन वो जीरो है अभी इसके अंदर, और CH3COOH जो है एसिड, दैट इज 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो उस वक्त पीएच इसकी 2.89 है। अब जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है 0.05 होगी, जबकि ये सेम है, तो ये जैसे बढ़ेगी कंसंट्रेशन आपके पास पीएच 4.44 हो जाएगी, ये बढ़ के 0.1 पे जाएगी तो ये 4.74, और ये बढ़ के 0.15 पे आएगी तो ये 4.92 पे आ जाएगी। तो मकसद है कि आपके पास कॉमन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से आपके पास पीएच क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और यही बात यहाँ पर हमने डिस्कस की है। अब बेसिकली हुआ क्या इस सारे सिस्टम के अंदर, इसकी केमिस्ट्री में हुआ बेसिकली ये कि आपके पास जो हमारा सिस्टम बना है, सिस्टम के अंदर अभी क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सिस्टम हमारा है एक रेजरवायर, रेजरवायर का मतलब होता है कि बल्क क्वांटिटी में सिस्टम के अंदर हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, और वो कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, CH3COOH, जाहिर सी बात है कि ये इसकी डिप्रेशन, इसकी जो उनकी आयनाइजेशन है वो कम हो गई है, तो एक हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में मौजूद है ये वैल्यू, ये टर्म, और दूसरी चीज़ जो हमारे पास मौजूद है ज़्यादा क्वांटिटी में वो है जी CH3COO- का आयन। क्यों, क्योंकि मजीद आप CH3COONA डाल रहे हैं ना, कंटिन्यू कर रहे हैं CH3COONA, और ये जाके सेपरेट हो रहा है CH3COO- में और Na पॉजिटिव में, तो ये क्वांटिटी आपके पास सॉल्यूशन में ज़्यादा मौजूद है, और इसकी मौजूदगी इसकी डिसोसिएशन को कम कर रही है, और ये भी क्वांटिटी में बढ़ता जा रहा है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास सिस्टम में लार्ज रिजर्वायर के तौर पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर अगर हम ऐड करें इस पूरे सिस्टम के अंदर एक एसिड, हमने ये देखना है ना कि बफर एसिड अगर हमने डाला है तो उसकी पीएच को क्यों नहीं चेंज होने देता, और क्या होता क्या है, होता यह है कि अब हमारे सिस्टम के अंदर ये दो चीज़ें मौजूद थी, हमने एसिड या H3O पॉजिटिव आयन जो है वो हमने ऐड करवाया इस सिस्टम के अंदर। इस सिस्टम के अंदर जब हमने H3O पॉजिटिव ऐड करवाया तो हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये या ये, तो ये H3O पॉजिटिव जाके इस नेगेटिव आयन से मिलेगा और क्या दे देगा, ये दे देगा CH3COOH, साथ में दे देगा वाटर, तो CH3COOH बनेगा और वो भी ऑलरेडी इस सिस्टम में मौजूद है, तो ओवरऑल पीएच के ऊपर क्या होगा, नो इफेक्ट, पीएच के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये इसने चेंज डालना था एच पॉजिटिव ने आके, वो जैसे ही सिस्टम में आया वो न्यूट्रल हो गया, वो पॉजिटिव आयन से वाटर बन गया और उसने अपना प्रोटॉन इसको दे दिया और इसने एक्सेप्ट करके वो चीज़ बना दी जो पहले से ही लार्ज क्वान्टिटी में मौजूद है। अब चूंकि ये CH3COOH जो बना है ये लार्ज क्वांटिटी में मौजूद है और ये वीक है, तो वीक होने की वजह से इसके ऊपर
इसकी पीएच के ऊपर ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं आएगा और हमारे पास जो चीज़ तैयार हो जाएगी वो क्या होगी, बफर सॉल्यूशन के हमने एसिड डाला बाहर से H3O पॉजिटिव ऐड किया, लेकिन ओवरऑल पीएच के ऊपर कोई फ़र्क जो है वो नहीं आया। तो इस तरह से हमने देखा कि कॉमन आयन की मौजूदगी किस तरीके से हमारे पास बफर सॉल्यूशंस को बनाती है और बफर सॉल्यूशन कैसे जो है उसको वर्कआउट करते हैं। सिमिलरली अगर आप कोई एग्जांपल ले लें बेसिक बफर्स की, तो उसमें भी जो है उसकी केमिस्ट्री भी यही होगी कि उनके दरमियान एक कॉमन आयन मौजूद होगा और वो कॉमन आयन की मौजूदगी की वजह से जो आपके पास सिस्टम का रिजर्वायर है वो इस तरीके का होगा या उसके अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद होंगी कि आप बाहर से अगर बेस या एसिड ऐड करवाएंगे तो उसके नतीजे में उसकी पीएच के ऊपर चेंज नहीं आएगा। तो एक एग्जांपल जो है हमने एसिडिक बफर्स की स्टडी की और उसमें हमने देखा कि बफर्स किस तरह पीएच को चेंज होने से जो है वो रोकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 8 कि बफर्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं और हमारे किस तरह इस्तेमाल में आते हैं, इम्पोर्टेंट क्यों हैं और इनकी केमिस्ट्री क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक तो हमने जो है बफर्स की बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक उसकी केमिस्ट्री स्टडी कर ली। अब हम कुछ इक्वेशंस की तरफ बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम उसकी पीएच कैलकुलेट करने की बात करेंगे। तो दिस वॉज आवर टूडेज टॉपिक अबाउट बफर सॉल्यूशंस।